अगर किसी व्यक्ति के पास बार बार फ्रॉड कॉल आते हैं तो उस व्यक्ति को कैसे सजा दिलवाएं, आज इस वीडियो में पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ ही भी बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को डराता है, धमकाता है, या फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, यानी धमकी देता है, या फिर कहता है मैं तुम्हारा रेप कर दूंगा, तो उस व्यक्ति को कैसे सजा दिलवाएं, तो इस वीडियो में पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 420 और 506 में क्या सजा है, क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत मिलती है, पूरे डिटेल से हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 420 में क्या सजा है, क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत मिलती है, और पूरा कवर करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी के पास फ्रॉड कॉल करता है तो उसे कैसे सजा दिलवाएंगे, इसी धारा में हम पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देता है और वह इस तरह की बेईमानी करके किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की संपत्ति, मूल्यवान संपत्ति हो, या उसके किसी भी हिस्से को बदलने या नष्ट करने या किसी भी प्रकार के जालसाजी हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि वह संपत्ति किसी मूल्यवान संपत्ति में परिवर्तित होने के योग्य होता है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को भारतीय न्यायालय द्वारा कारावास के लिए दंडित किया जा सकता है, जिसकी समय सीमा को 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कारावास के दंड के साथ साथ ही न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति पर उचित आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। अगर आपके पास किसी का फ्रॉड कॉल आता है तो आप धारा 420 के तहत उसके ऊपर केस दर्ज करवा सकते हैं। और इसमें सजा क्या होती है, अब बात करते हैं। इस धारा के अंतर्गत अधिकतम 7 वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया है, जो कि न्यायाधीश के द्वारा तय किया जा सकता है। कारावास के दंड के साथ साथ आर्थिक दंड देने का भी प्रावधान दिया गया है, जो कि न्यायाधीश जुर्म की संगीनता के आधार पर तय करते हैं। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय होता है। न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता भी किया जा सकता है। किसी भी अभियुक्त को कारावास से छुड़वाने के लिए न्यायालय के सामने जो धनराशि जमा की जाती है या राशि को जमा करने की प्रतिज्ञा ली जाती है, उस राशि को एक बांड के रूप में भरा जाता है। इसे ही जमानत की राशि कहा जाता है और जमानत की राशि के बांड को तैयार होने के बाद न्यायालय द्वारा न्यायाधीश के द्वारा उचित तर्क के आधार पर ही आरोपी को जमानत दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो वह सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन कर सकता है। न्यायाधीश द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत ही अभियुक्त को जमानत प्रदान दी जाती है। अभी तक जमानत के लिए कोई भी निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। यह लेन देन की प्रकृति और आरोपी की गंभीरता पर निर्भर करती है। दोस्तों अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 506 में क्या सजा है, क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत मिलती है, पूरे डिटेल से, यानी इसमें किस तरह से अगर कोई किसी को धमकी देता है तो उसे कैसे सजा दिलवाते हैं, पूरे डिटेल से हम बात करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आपराधिक धमकी देता है, जैसे किसी की हत्या करना या किसी को जान से मारने की धमकी देना या फिर किसी को आग से जलाना या किसी की प्रॉपर्टी को आग से जलाकर खत्म करने की धमकी देना या किसी का रेप करने की धमकी देना या फिर किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवाने के लिए किसी आपराधिक तरीके से धमकी देना, तो इस तरह की धमकी आपराधिक यानी क्रिमिनल धमकी कहलाती है। ऐसी धमकियां देने पर आईपीसी की धारा 506 लगाई जाती है। धमकी के साथ साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी इज्जतदार औरत की आबरू या उसकी इज्जत पर किसी भी प्रकार का लांछन लगाता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 506 लगाई जाती है। धारा 506 में सजा का क्या प्रावधान है, अब बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आपराधिक धमकी देने का अपराध करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है, जिसकी समय सीमा को 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। और कारावास की सजा के साथ साथ ही इस धारा में आर्थिक दंड का भी प्रावधान दिया गया है, या फिर दोनों दंडों को एक साथ भी लगाया जा सकता है। आर्थिक दंड को न्यायालय अपराध की गंभीरता और अपराधी की हैसियत के आधार पर निश्चित करती है। धारा 506 में जमानत का क्या प्रावधान
घटनाएं अब बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में वर्णित अपराध यह एक गैर संज्ञेय अपराध है। इस अपराध में किसी भी आरोपी को जमानत प्राप्त हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को साधारण आपराधिक धमकी देता है तो यह किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है, और यदि मृत्यु या गंभीर चोट की धमकी दी जाती है तो यह केवल और केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। इस अपराध में यदि पीड़ित चाहे तो आरोपी के साथ समझौता भी कर सकता है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति को यह समझौता मजिस्ट्रेट के सामने करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 420 और 506 में एक वकील की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों किसी भी अपराध से अपराधी को बच निकलना बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ऐसे अपराधों में काफी उसे सजा मिल सकती है, यानी कारावास की सजा के साथ साथ उसे आर्थिक दंड भी लग सकता है। इसलिए आपको एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति साबित हो सकता है जो आपके केस को अच्छे तरीके से सुलझा सकता है और आपको जमानत भी दिलवा सकता है। इसलिए आपको एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। लेकिन जब भी आप अपने केस में किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त करते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लें कि वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील है या नहीं है। अगर वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील होगा तो वह आपके केस को जीतने का अवसर और भी बढ़ा देगा, और इसीलिए आप अपने केस जीत सकते हैं और आपको जमानत भी मिल सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आईपीसी की धारा 420 और 506 में क्या सजा है, क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत मिलती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।